हे गाइस, हेलो एवरीवन। हम लोग एडवांस फिल्टरिंग सीख रहे हैं, तो इसके प्रैक्टिकल की भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन बेहतर ये है कि मेरे समझाने से ही अगर आप प्रैक्टिकल करके देखें तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर सीख जाएंगे। देखिए, हमने एडवांस फिल्टरिंग के लिए 4-5 कॉलम बताए थे। हमने डेटा बनाया था, पहला बनाया था हमने सबसे पहले आईडी आइडेंटिटी, दूसरा नेम बनाया था B1 में, C1 में हमने यानी आइटम नेम, D1 में हमने मंथ और E1 में सेल बनाई थी। तो आज हम मंथ के हिसाब से सेल लगाते, फिर हम जो है ना, आपको यहाँ कैफ़े पे ऐसे ही रहता है, शो रहता है, साइबर कैफ़े पे बहुत काम ज़्यादा होता है ना, लोग बहुत सारे आते हैं, मैं खुद भी कुछ कुछ काम होता है तो यहाँ आती हूँ, और आपको घर में बहुत ज़्यादा शो होता है, सोचती हूँ यहीं आके पढ़ा दूँ, करके भी देखना पड़ता है मुझे। तो खैर, तो D1 में मंथ, E1 में सेल। तो मंथ से आप फिल्टरिंग एडवांस फिल्टरिंग का यूज़ करेंगे, थोड़ा तेज़ बोलती हूँ मैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो 5 कॉलम बनाए हैं हमने, कॉलम हेडर सबके कॉपी करे हैं और पेस्ट कर लिए थे हमने IGKLM तक, ठीक है। सिर्फ कॉलम हेडर्स पेस्ट किए हैं आज हम, यानी हमारा मंथ है यहाँ IGKL, L1 में हमारा मंथ हेडिंग है, तो हम L2 में जल्दी से फार्मूला लगा लेंगे। क्या होगा फार्मूला? इक्वल कोट में डबल कोट यानी शिफ्ट टिक लगा के शिफ्ट अपोस्ट्रोफी, और उसमें लिखेंगे MONTH, फिर कोट क्लोज, फिर एंटर यानी कि शिफ्ट अपोस्ट्रोफी से कोट ओपन करेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर एंटर कर देंगे। ये हमने L2 में फार्मूला लगाया है। और आपको एक बात बताई थी, जैसे कॉलम एड्रेस हमारे M1 तक हैं, तो हमेशा हम M2 तक हम रेंज क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है। जो भी हम सोर्स डाटा तो वही रहेगा जो होता है, लेकिन जब हम क्राइटेरिया रेंज लेते हैं तो उसमें एक कॉलम नीचे का लेते हैं M2 तक, जो कॉलम एडर जहाँ ख़त्म हो जैसे M पे हो रहा है M1, तो M2 तक लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं फटाफट से, हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे अगर हमने फिल्टरिंग पहले से लगा रखी है एडवांस फिल्टरिंग, तो क्लियर कर लेंगे, डेटा टैब में जाके ऑल्ट ए करेंगे और जाके क्लियर एडवांस फिल्टर कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल का यहाँ कोई काम नहीं है, वो नॉर्मल फिल्टरिंग के लिए होता है। अब हम टैप टैप से एडवांस पे जाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एडवांस पे यहाँ पे जैसे ही हमने लिस्ट रेंज पहले ही कुछ दे रखी होगी, कभी किया होगा, अगर कोई एरर आ रहा है तो ओके कीजिए और F2 करके एंड करके सारा का सारा बैक स्पेस से डिलीट कर दीजिए लिस्ट रेंज, ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है तो ओके करके, ठीक है, वहाँ पे ओके का ऑप्शन आता है और कैंसिल का। शिफ्ट टैप करेंगे, शिफ्ट टैप करके यहाँ भी हम सेम एंड प्लेस का ही चल रहा है हमारा, कल हम कॉपी एंड अदर प्लेस का बताएंगे, तो सेम एंड प्लेस है। अब डाउन और से देखेंगे तो सेम फिल्टर इन प्लेस, इस पर हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, नहीं सॉरी एंटर नहीं, सेट कर देंगे इसको सेम एंड प्लेस को। फिर हम टैप करेंगे यहाँ लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में देखिए आपको इक्वल ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको एक लिस्ट रेंज देनी है। तो सोर्स डेटा लगाइए $A, $1, कॉलम $E, $6, इक्वल ना भी लगाएं, लेफ्ट राइट पैरेंट ना भी लगाएं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इक्वल जहाँ हम जो फार्मूला हम वहाँ लगाते हैं कॉलम हेडर्स के नीचे, उनमें लगाना ज़रूरी है, कोई भी फार्मूला लगाएं तो इक्वल नहीं लगाएंगे, चलेगा यहाँ। तो यहाँ पर $A, $1, $E, $6 हमने लिस्ट रेंज में दे दिया। टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ क्राइटेरिया रेंज देंगे, क्राइटेरिया रेंज होगी हमारी जहाँ हमने हेडर्स को पेस्ट किया था, तो वो कॉलम एड्रेस को जो हम कॉपी करके, तो ये हमारा होगा डॉलर, इक्वल की ज़रूरत नहीं है जैसा मैंने कहा, तो $I, $1, $M, $2, डॉलर का हिस्सा बनता है $4। अब फिर टैप करेंगे, रिकॉर्ड्स यूनिक रिकॉर्ड्स चेक आएगा, उसको रहने देंगे, टैप करेंगे ओके, और आप जाके देखिए कि आपकी जो मंथ्स की सेल है वो आपको दिखेंगी सारे मंथ्स की, वहाँ पर सारे मंथ्स को अगर हाइड भी रहा होगा तो वो सब निकल के आ जाएंगे। असल में क्या होता है, मंथ्स की जैसे सेल करेंगे रिजल्ट्स की, सॉरी मंथ्स की जैसे एडवांस फिल्टरिंग लगाएंगे मंथ्स पे सेल पे लगाएंगे, तो उन चीज़ों में सबकी डिटेल आ जाती है, नाम भी आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आइटम नेम है ना, या सेल में लगाएं तो लेस इक्वल लेस या लेस मतलब लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल इसका यूज़ करेंगे हम, है ना। रिजल्ट्स में कर रहे हैं तो कोई एक क्राइटेरिया बना लें कि भैया ये जो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है, कि उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से हम इतने पे हम इतना सब कुछ मतलब
इतने तक के हमें लोगों को पास करना है, तो एक क्राइटेरिया लग रहे हैं लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल का, तब जाके अब जैसे मंथ्स है, मंथ्स में सबका सारे ही मंथ्स आ जाएंगे, सभी फिल्टर हुए एडवांस, तो इसमें थोड़ा सा इसमें रख लें आप, मतलब जैसे कि इक्वल है ना, कुछ ऐसा रख लें कि मंथ्स मंथ्स के लिए चलो सभी ले लो, या हाफ ईयर ले लो या क्वार्टर ले लो, ऐसा करके एडवांस फिल्टरिंग लगाओ। ठीक है, अब आप सोर्स डेटा में जाके देखिए सारे मंथ्स आपके एडवांस फिल्टर हो गए होंगे, क्लियर कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, कल हम कॉपी एंड अदर प्लेस का थोड़ा सा एक ट्यूटोरियल देखेंगे। नाफ्टो पढ़े, थैंक यू सो मच। सेट।